हाय गाइस व्हाट्सअप, आई एम कार्तिक और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर की रिव्यू। तो मेरे को मी बैंड 4 यूज़ कर रहे कम से कम अब एक साल हो गया है। हाँ, आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि यार ये एक साल कैसे हो गया। मैं कह रहा हूँ एक साल, तो एक साल कैसे हो गया। इंडिया में तो ये सितंबर में लॉन्च हुई थी, एक साल कैसे हो गया आखिर इसको। तो गाइस मेरा ये ग्लोबल वर्जन है। जी हाँ, इंडिया में भले सितंबर में लॉन्च हुई लेकिन ग्लोबली ये जुलाई और अगस्त के आसपास में कहीं पे लॉन्च हो गई थी, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब एक साल हो गया, तो मैं बताऊंगा 100% श्योर हूँ मैं कि इसका रिव्यू दे सकता हूँ, जो कि जो प्रॉब्लम्स मेरे को इसके सामने फेस करी है और बाकी सारी जो मतलब प्रॉब्लम्स इसमें थी, ये सब जो है मैंने इसमें फेस किया, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है तो एक फिटनेस ट्रैकर, इसलिए अपन बात भी करेंगे फिटनेस से। तो अपने को इसमें भाई बहुत मल्टीपल मोड्स अपने को मिल जाते हैं फिटनेस के लिए, जैसे कि अपने को आउटडोर रनिंग, ट्रेल, साइकिलिंग वगैरह वगैरह अपने को 6 मोड मिल जाते हैं। पर मैं इसमें से 2 ही मोड्स यूज़ किया। क्यों? क्योंकि मैं तो आलसी हूँ इतना काम नहीं करता बाहर जाके, अब कौन दौड़े ओढ़े ये सब नहीं करता। मैंने सिर्फ दो मोड यूज़ करे। पहला आउटडोर रनिंग का तो नहीं करूँगा, पहली बार साइकिलिंग का करूँ और वॉकिंग का करूँ बस। क्योंकि भाई मेरे को बाहर जाके भले इतना है कि कैलरीज बर्न करना ये सब, पर साइकिल चलाने में तो कोई मज़ा आती है, ये बात तो है। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम इन दोनों मोड को ही यूज़ किया हूँ, साइकिलिंग का और वॉकिंग का। अभी जितना भी अच्छा बैंड है लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है ये एकदम मतलब ये ठीक नहीं है, मतलब एकदम एक्यूरेट बैंड नहीं है। पर मैं क्यों कह रहा हूँ इतना विश्वास से, क्योंकि भाई मैंने और भी बैंड्स यूज़ करे हैं, जैसे कि ऑनर बैंड 5 भी यूज़ कर रहा हूँ मैंने, यूज़ करा है, और ओप्पो की भी वॉच है वो भी यूज़ करी है। तो उसमें जो ट्रैकिंग होती है खासकर ऑनर बैंड 5 और अमेज़फिट में, वो अलग ही लेवल की होती है। बात तो पता है कि ये बैंड जो है एकदम एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उसमें जो होती है ट्रैकिंग वो अलग ही हो रहती है। इसलिए कि भले ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन उतना भी ज़्यादा इनएक्यूरेट नहीं है कि ये अपने को कुछ भी गलत तलत बताए, ये बताता है लेकिन एक्यूरेट इतना नहीं है जितने ऑनर बैंड है और अमेज़फिट बिट है ये सब। अपन आते हैं हार्ट रेट सेंसर की बात करने। हार्ट रेट सेंसर है वो भी एक्यूरेट नहीं है, मतलब एक्यूरेट भी नहीं है, इतना एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है और इनएक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी अपने को फेक रेटिंग सिखाता है। जब अपन जैसे कि अपन जब इसको पहने नहीं रहते हैं तो भी ये हार्ट रेट मेज़र करता है, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पहना नहीं है तो भी ये हार्ट रेट को मेज़र कर रहा है। तो इसलिए मतलब फेक हार्ट रेट भी कभी कभी अपने को बताता है, एकदम सेम टू सेम नहीं बताएगा ये कहाँ से करता है, लेकिन हाँ करता है। तो भी बाकी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें आ गया मोड के अंदर नोटिफिकेशन, रिमाइंडर, म्यूज़िक कंट्रोल, अलार्म, स्टॉप वॉच और भी बहुत सारे, स्टॉप वॉच, फाइंड डिवाइस और टाइमर, बहुत सारे ऐसे जो हैं, ये सब मेरे फेवरेट फीचर्स हैं। मतलब और इनमें से सबसे ज़्यादा मैं कौन सा फीचर यूज़ करता हूँ तो वो है लिफ्ट विस्ट टू व्यू नोटिफिकेशंस और टाइमर, अलार्म और स्टॉप वॉच। तो मैं मैक्सिमम इन्हीं सारे फीचर्स को यूज़ करता हूँ मी बैंड 4 में। लिफ्ट विस्ट टू व्यू इन्फॉर्मेशन वाला फ़ीचर जो है ये बहुत काम का फीचर है। जब अपन जैसे कि साइकिल चला रहे हैं, जैसे कि मैं इस फीचर को बहुत यूज़ करता हूँ, ऑब्वियस बात है टाइम देखने के लिए। मैंने इसको बैंड जैसे यूज़ नहीं किया है, मैंने इसको वॉच जैसे मैक्सिमम टाइम यूज़ किया है। जैसे कि मैं जब साइकिल चलाता हूँ तब, जब व्हीकल मतलब कार या बाइक चलाता हूँ तब, और या स्कूल में भी, मतलब स्कूल में भी अपने को जैसे कि नॉर्मली अपने बस हाथ को अपनी तरफ कर दे और ये टाइम देख लेता है, तो ये ज़्यादा हैंडी फीचर है। अब चलिए अपन इसके सेंसर्स के बारे में बात करें। तो सेंसर्स तो इसके बहुत पावरफुल हैं, अच्छे हैं मतलब सेंसर, और थैंक्स फॉर एक्सीलरेटर और 3Z उसको बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं। इसी से आप अपने स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं, कैलरी बर्न इन सब को आप इससे काउंट कर सकते हैं, आइडल अलर्ट, कैलरी बर्न, इतने स्टेप्स हैं, डिस्टेंस ट्रेवल है, कितना किया है, इन सब को आप इन तीन सेंसर्स से आप इनका मतलब इस बैंड में पता चलता है। अगर अपन इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें
तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है, अब मेरे को ये नहीं पता कि बाकी सारे लोग क्या कहेंगे, पर और उनका पर्सनल ओपिनियन जो रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है मी बैंड 4 की बिल्ड क्वालिटी पे। तो मेरे ख्याल से तो भाई इतनी अच्छी मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। आपको अब 2500 के अंदर जो बैंड मिल रहा है उसमें अपने को इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है और ये प्रीमियम फील कराती है। मतलब अपने को इसके स्ट्रैप भी अच्छा मिलता है और मॉनिटर भी अपने इसमें मतलब मेन यूनिट जो है अपनी भाई, इसको पहनने में मतलब बहुत मज़ा आता है क्योंकि सॉफ्ट अपने को बैंड मिलता है, अपने को इसका सॉफ्ट स्ट्रैप रहता है। और भाई सबसे सस्ती है, सस्ती बात है मतलब ये सस्ती बैंड है ये, और अपने को इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसमें अपने को देखने मिलती है। आपको एकदम इसकी हाई क्वालिटी वॉच फील नहीं आएगी जैसे कि एप्पल वॉच जैसी फील नहीं आएगी इसको पहनने से, पर हाँ इसमें बहुत अपने को प्रीमियम मतलब वो मिलता है, स्ट्रैप मिलते हैं बिल्ड क्वालिटी में अकॉर्डिंग टू द प्राइस। इससे मेरे को अभी तक कोई सी स्किन प्रॉब्लम नहीं हुई, रैशेस कुछ नहीं हुए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे को अभी तक इसको पहने। और मैक्सिमम टाइम मैं इसको पहना रहता हूँ, स्लीप ट्रैकिंग में भी ये स्लीप ट्रैक करती होगी करते ही है, और मैक्सिमम टाइम मैं इसको पहना रहता हूँ वैसे तो मेरे को तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसे कि स्किन मतलब कुछ इरिटेशन ऐसा होता है, ऐसा मेरे को अभी तक इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। सबसे ख़ास बात यह है कि अपन इसको कंफर्टेबल पहन लेते हैं और इतना लाइट वेट रहता है कि मतलब पहने रहेंगे तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा नहीं कि आप बैंड कोई सा पहने अपने हाथ में, इतना लाइट वेट है ये और कंफर्टेबल है। सेंसिटिव स्किन वालों को भी ऐसा कुछ नहीं होता इस पैंट के साथ। इसके साथ एक इशू है कि भाई इसकी जो स्क्रीन है ना वो बहुत ईजीली स्क्रैचेस जो हैं वो कैच कर लेती है, मतलब बहुत जल्दी इसमें अपने को स्क्रैचेस मिलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, हो सकता है आपको दिख रहा होगा तो देख ही सकते हैं कैसे मतलब स्क्रैचेज आ गए हैं। इसलिए मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर को अप्लाई करता हूँ क्योंकि इसकी पता नहीं क्या इसकी प्रॉब्लम है स्क्रीन में कि बहुत जल्दी इसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो शाम को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मी बैंड 5 में ऐसा कुछ ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि शामी 5 में गोरिल्ला ग्लास लगने चाहिए ताकि इसमें एकदम ईजीली स्क्रैचेज ना आए। ये एमोलेड स्क्रीन वाली बैंड है अपने को, और इसमें अपने को जो नेट मिलता है वो 400 नेट्स का अपने को इसमें मिलती है स्क्रीन। हाँ इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जो नेट्स है 400 नेट्स हैं और ये अपने को इसमें डायरेक्ट विजिबल होते हैं। सनलाइट में भी अगर अपन देखेंगे तो ये अपने को डायरेक्टली क्लियरली देखेगी अपने को, मतलब जैसे कि अगर अपन फिटबिट को कंपेयर करेंगे तो फिटबिट में ऐसा अपने को नहीं मिलता, एकदम क्लियरली अपने को देखने नहीं मिलता ये सब। तो उसी हिसाब से तो भाई बैंड जो है बहुत ही अच्छी है, 400 नेट्स का अपने को मिलता है। तो भी मतलब अगर अपन डायरेक्ट सनलाइट में देखेंगे इस बैंड टाइम तो भी अपने को आराम से दिखेगा टाइम पे। और ये बैंड 580 एम वाटर प्रूफ है, अगर आप इसको पहन के स्विमिंग भी करेंगे तो इस बैंड में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी मेरी बैंड चल रही, फिर चाहिए गीली भी हो रही हो या कुछ हो आराम टच मिलता है, वो बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही अच्छा चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती ऐसे तो, मेरे को तो अभी तक नहीं आई है कुछ भी प्रॉब्लम। और एक बात है, इसका जो स्ट्रैप है ना, अब ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ आपको, जो स्ट्रैप के बारे में तो बताऊँगा। तो भाई इसका जो स्ट्रैप है ना वो थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ कि अगर अपन मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा वो होएगा तो ये टेयर हो जाता है, फट जाता है भाई। मतलब अगर अपन इसमें ज़्यादा कुछ करेंगे, ऐसा मान लीजिए अगर ये खींच जाता है जल्दी से मतलब कुछ हुए तो ये साइड से कट जाएगा पूरा। तो मतलब स्ट्रैप की जो क्वालिटी है थोड़ी सी अच्छी कर सकती है शामी, बाकी कुछ नहीं, स्ट्रैप ये भी अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत भी सही तो कर सकती है शामी। वैसे आप देख सकते हैं मेरा एक स्ट्रैप कैसे कि ये फट गया था। अगर अपन इसकी एप्लीकेशन की बात करें, मी फिट एप्लीकेशन, तो मी फिट एप्लीकेशन मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है। मी फिट एप्लीकेशन की जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है वो बहुत अच्छी है। अगर अपन ओपन करते हैं तो फ्रंट में अपने को ये एक प्रॉब्लम है जो कि ये हर बार आती है, मैं जो हर बार कैंसिल आउट करता हूँ नॉट, पर ये आती है तो फिर से करता हूँ। तो यहाँ पे अपने को हर चीज़ पता चलती है, हार्ट रेट हो, स्टेप्स हो, अपने कितनी बार मतलब अपन ने अपने एक्टिविटीज़ ट्रैकर का इस्तेमाल किया है, स्लीप कितनी है, और कंपेयर टू हॉनर बैंड
अमेज सेट, इन सब से बहुत अच्छी लगती है मेरे को इसकी वेबसाइट। अगर अपन कस्टमाइजेशन पे जाएं कि अपने को बैंड में क्या क्या अपन कस्टम कर सकते हैं, तो उसमें अपने को अपन एप्लीकेशन से अपन सेव वॉच फेसेस को कर सकते हैं। हर चीज़ अपने को इस एप्लीकेशन में फ्रंट में ही मेन चीज़ अपने को पता चल जाती है। तो कस्टमाइजेशन की बात बताऊँ अगर, तो अपने को प्रोफाइल पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पर जाना है, फिर अपने जो डिवाइस है उसको सेलेक्ट करना रहेगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करना, फिर स्टोर पे क्लिक करके वेट करिए। फिर अपने को इतने सारे वॉच फेसेस अनलिमिटेड मिलते हैं। अभी नया अपडेट आया था तो और वॉच फेसेस आ गए हैं। ये देखिए इतने सारे अपने को मिलते हैं, और कुछ कुछ में तो अभी नए नए हैं, कुछ कुछ कूल हैं, कुछ कुछ बकवास लगते हैं। मोर ऑप्शन भी आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को इतने सारे वॉच फेसेस भी मिलते हैं। और बैंड में भी अपन कस्टमाइजेशन की अगर अपन बात करें फ़ोन से बाहर निकल के बैंड में अकेले, तो बैंड में अपने को बहुत सारे अलग अलग फॉर्मवेयर्स मिल जाते हैं, जो कि भाई मतलब अलग अलग वो डेवलपर्स मतलब डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मवेयर देते हैं। अगर आप देख अभी आप मेरा फॉर्मवेयर देखना चाह रहे हैं कि कौन सा फॉर्मवेयर लगाऊँ ये मैंने, तो आप लोग में से जो जो सैमसंग डिवाइस यूज़ करते होंगे समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मवेयर है। ये सैमसंग UI का फॉर्मवेयर है, जो कि भाई मेरे को यूट्यूब पर मिला था। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, तो मैं उस चैनल में मतलब ये वाला फॉर्मवेयर मेरे को वो मिला था, तो मैंने इसलिए इसको भी अपडेट किया मतलब वो किया सिंक किया, जो कि मेरे को ये देखने में भी लिटिल गुड। तो अगर आपको ये फॉर्मवेयर अच्छा लग रहा है तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वो वाले चैनल पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मतलब, और उस वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा। वैसे वो मेरा चैनल नहीं है, मेरा चैनल नहीं है। और हाँ, मैंने भी फॉर्मवेयर्स के वीडियोस तो बनाए हैं बहुत सारे, तो आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो या तो अभी एक मैंने बताया जिसमें कि फॉर्मवेयर अपन सिंक कैसे करते हैं वो भी, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और बाकी सारे तो आप जो मैंने मी बैंड के लिए जो मैंने वो बनाए प्लेलिस्ट बनाई वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करें तो सबसे पहले मेरे को मी बैंड ही दिखेगी, क्योंकि भाई मी बैंड में अपन रेगुलरली अपडेट मिलते हैं, अनलिमिटेड वॉच फेसेस मिलते हैं अपने को इसमें, और ऐसा कोई भी बैंड में अपने को मतलब अनलिमिटेड वॉच फेसेस ऐसे देखने अपने को कोई भी बैंड में ऐसे नहीं मिलता है। इसलिए अगर सबसे पहले अगर मैं से कोई दूसरी बैंड खरीदूँगा तो वो खरीदूँगा मी बैंड 5 खरीदना हो मेरे को खरीदूँगा, और उसका भी रिव्यू करूँगा ज़रूर अपने चैनल पे जल्दी ही जल्दी। अभी चाइना का थोड़ा चल रहा है तो इसी कारण नहीं ख़रीद पा रहे हैं। तो बाकी सब तो इसमें बहुत अच्छा कस्टम फॉर्मवेयर बना सकते हैं डेवलपर, वॉच फेसेस बना सकते हैं, ऐसा कोई भी अपने को बैंड में देखने नहीं मिलता इसमें। अब अपन लोग अगर लास्ट चीज़ की बात करें तो वो है बैटरी लाइफ। तो Xiaomi Band 4 इसमें बैटरी लाइफ अपने को बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर अपन इसमें लाइटली यूज़ करें मतलब फिटनेस ट्रैकर जैसे यूज़ नहीं करें, टाइम बस देखें, कभी कभी हार्ट रेट को मेज़र करें, इन सब को करें, तो ये 20, 25 या 30 डेज तक के चल जाती है बैटरी। अब अगर अपन इसको हार्ड यूज़ करें मतलब कि रेगुलरली अपन हार्ट रेट चेक करें अपनी, रेगुलरली फिटनेस अगर अपन वो करें फिटनेस ट्रैकर यूज़ करें, तो 15 से 10 डेज तक की इसकी बैटरी लाइफ चल सकती है मैक्सिमम। अब कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ जो कि मतलब कि मैंने इसके साथ फेस करी है, जो कि इसकी चार्जिंग डॉक को अपन को अब हर जगह लेके चलना पड़ेगा। अगर अपन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने को तो भी इसकी चार्जिंग डॉक लेके चलनी पड़ेगी, अगर अपन बैंड ले जा रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम है पहली। और दूसरी प्रॉब्लम है कि अभी पता नहीं प्रॉब्लम हुई है, 1 साल हो गया लगभग इसको, तो मतलब अगर अपन मैं इसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग में लगाता हूँ तो जैसे कि अगर मैं उसको लगाता हूँ तो थोड़ा तो प्रेस करना पड़ेगा भाई लगाने के लिए, तो मैं जैसे मतलब थोड़ा सा प्रेस करता हूँ तो बाउंस होके नीचे गिर जाती है। तो इसकी चार्जिंग डॉक में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई, मतलब थोड़ा सा वाइट सा फैल गया है वो, तो ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ। तो अगर अब थोड़ी ज़्यादा कुछ होता है तो मेरे को दूसरा चार्जिंग डॉक भी ख़रीदना पड़ेगा। तो बाकी और कोई तो प्रॉब्लम अपने को नहीं मिलती, बैटरी लाइफ भी अपने को इसमें बढ़िया मिल जाती है, 25 डेज या फिर अगर हार्ड यूज़ कर रहे हैं अपन इसका तो अपने को इसमें लगभग 10 डेज तक की अपने को बैटरी लाइफ भी मिल जाती है। यही थी आज की वीडियो भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ऑल पे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, कभी बैंड पे, कभी रिव्यूज़ पे, कभी अनबॉक्सिंग पे, कभी गेमिंग पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन भी भाई फ्री है, ओपन है, आपको जो कमेंट करना है वो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही है, और आप भी कमेंट करके बताइए आपके पास अभी कौन सा फिटनेस ट्रैकर अवेलेबल है। तो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।